तो दोस्तों अभी आपने देखा था कि पिछले दिनों जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने धान की जो खरीद है उसको रोक दिया था, और उस वजह से जो बासमती धान है या जो प्रीमियम हमारा जो धान है उसकी एक तो खरीद एक तरीके से प्रभावित हुई थी, और दूसरा यह है कि उसके जो दाम है उसमें भी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अब चूंकि ये जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने दोबारा से खरीद शुरू कर दी है, और उसका नतीजा ये हुआ है कि न सिर्फ खरीदी सुचारू रूप से चल रही है बासमती की, बल्कि आप ये भी देख रहे हैं कि उसके जो कुछ प्राइस हैं उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तकरीबन 300 रुपये तक का जो इजाफा है वो उसमें देखने को मिल रहा है। ये पूरी डिटेल क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, निर्यातकों ने खरीद शुरू कर दी है और 1509 के दाम अभी और बढ़ने के जो आसार हैं वो जताए जा रहे हैं। इसके अलावा मोटे धान में भी सुधार है। बासमती उत्पादक राज्यों के निर्यातकों में 15 अक्टूबर से बासमती सहित बारीक धान की जो खरीद है वो बंद हुई थी, और इसकी जो वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल अखिल भारतीय ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स जो एसोसिएशन है उसने हड़ताल की थी, लेकिन अब जो बातें रहीं उस पर कुछ सहमति बनी और हड़ताल समाप्त होने के बाद अनाज मंडियों में खरीद की स्थिति में सुधार आया है। इसमें 1509 किस्म के सहित बारीक धान के भाव में 300 रुपये प्रति क्विंटल तक का उछाल आ गया है। PR यानी कि मोटा धान MSP पर अब बिकना पूरी तरह से शुरू हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि चाहे आप हरियाणा की अब बात करें या हरियाणा के साथ साथ आप और जो आप देख रहे हैं कि जो धान की खरीद के साथ साथ और भी जो फसलें जो खरीदी जा रही हैं उसमें भी आप देख रहे हैं कि तेज़ी आई है, क्योंकि मंडियों के अंदर जो सुचारू रूप से खरीद है वो शुरू हो गई है। लेकिन बासमती सही जो बारीक धान की खरीद है वो जो बंद हुई, तो उसके बाद किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। बहुत जगहों पर आपने देखा है कि किसान इसको लेकर के नाराज़ भी नज़र आ रहे थे, लेकिन एक बार चूँकि अब एक्सपोर्टर्स के साथ जो मामले थे या जो उनके अपनी डिमांड्स थी उस पर जब सहमति बनी, तो एक्सपोर्टर्स ने दोबारा से ये जो धान है उसको खरीदना शुरू किया। और ये स्पेशल चूँकि बासमती जो प्रीमियम क्वालिटी का जो धान है, जो बारीक धान है, उसकी खरीद अब सुचारू रूप से शुरू हुई है, और इसलिए जो प्राइस है वो और अच्छा और बेहतर मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि 300 रुपये प्रति क्विंटल तक का जो इसमें इजाफा है वो देखने को मिला है। इसके अलावा हरियाणा के अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं उनका भी ये बताना है कि 1509 और बारीक किस्मों का जो धान है वो निर्यातकों की जो हड़ताल है वो 2700 से 2800 रुपये में बिकने लगा था। यानी कि ये उस समय की बात है जब हड़ताल चल रही थी, तब 2700 और 2800 में था, लेकिन 3000 से 3100 रुपये में अब ये जो धान है वो अब बिकना शुरू हो गया है, यानी कि जैसे ही ये हड़ताल समाप्त हुई है उसके बाद। और अभी इसके और ज़्यादा आपको बता दें कि जो सब भाव है वो बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, तकरीबन 200 रुपये तक और बताया जा रहा है कि इसमें इजाफा हो सकता है, तो जाहिर है कि किसान को जो इसका लाभ है वो मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।